हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में H2O वाटर मॉलिक्यूल का शेप डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी के द्वारा। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VSEPR थ्योरी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने वेस्पर थ्योरी के द्वारा अमोनिया मॉलिक्यूल के शेप का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है उसको भी डिस्कस किया है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कोवलेंट बॉन्ड यूनिट का, जिसमें आप ये सभी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी वेस्पर थ्योरी के द्वारा H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उसका शेप किस प्रकार होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सो H2O वाटर मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में इस प्रकार होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो ये इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। एंड ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंड ऑर्बिटल्स में इस टाइप के भरेंगे। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में जो है ये 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें एक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंड द 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड द हाफ फिल 2py एंड 2pz ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन एटम ओवरलैप टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो दूसरे एटम से, ठीक है, दूसरे एटम से ओवरलैप कर लेते हैं या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पे भी ठीक उसी प्रकार होगा। यहां पे देख सकते हैं 2py और z में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, हाफ फील्ड है यहां पे, ये हाफ फील्ड है। तो ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके साथ ये ओवरलैप कर लेंगे, ये ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा H2O मॉलिक्यूल का। ठीक है, इन H2O मॉलिक्यूल 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अब यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, सिंपल सा है, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहां पे जो है ये दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल की अगर हम पूरी बात करें इसके स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बॉन्ड बनाए हैं, एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम कॉज द HOH बॉन्ड टू बेंड स्लाइटली एंड रिड्यूसिंग द HOH बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 104.5 डिग्री, 5 डिग्री एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेस्पर थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था। मतलब वेस्पर थ्योरी का एक मेन पॉस्टुलेट है कि अगर अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसके कारण जो है जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। कैसे, देखिए यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है इफेक्ट, क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा जगह जो है ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं, जिसके कारण जो है इनमें रिपल्सन हो जाता है और ये जो है बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा HOH बॉन्ड होगा ये स्लाइटली बैंड हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री होना चाहिए बॉन्ड एंगल, जो उससे घटकर जो है 104.5, ठीक है, 0.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाता है। किसके कारण, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम वी शेप, बैंड शेप इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल का शेप है ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वी शेप हो जाता है, इसे बैंड शेप भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। यहां पे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल का पूरा है, तो यहां पे 2 जो ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके कारण जो है ये बैंड हो जाएगा और इस प्रकार भी स्ट्रक्चर आप जो है ये बना सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है H2O मॉलिक्यूल के जो वी शेप में
में होंगे। आप देख सकते हैं बेंट शेप है, लेकिन मेन जो है इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी के द्वारा हमारा H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, H2O मॉलिक्यूल का शेप इस प्रकार से होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो HCl2, PbCl2, OF2, ICl2 प्लस, इन सब मॉलिक्यूल्स में भी स्ट्रक्चर जो है सेम सिमिलर टाइप का होगा। तो आपको ये कोई भी एग्जांपल अगर पूछा जाता है तो आप कुछ पॉइंट्स चेंज करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चेंज करके ये थ्योरी लिख सकते हैं और ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर होगा इन मॉलिक्यूल्स का भी। ठीक है, बट मेन आपको H2O मॉलिक्यूल अमोनिया का ही पूछा जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में अमोनिया का डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने H2 मॉलिक्यूल का शेप देख लिया वेस्पर थ्योरी के द्वारा। ठीक है, सो ये था मेन कॉन्सेप्ट H2O मॉलिक्यूल का शेप वेस्पर थ्योरी के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसका कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स चाहिए, यूनिट वाइज नोट्स, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप चेक कर सकते हैं एंड ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये टॉपिक आपको कोवलेंट बॉन्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यूनिट कोवलेंट बॉन्ड में मिलेगा, जिसमें ये सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में मिलेंगे PDF में। तो आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 40 प्लस पेजेस नोट्स हैं जो स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। सो इस नोट्स को लेने के बाद आपको इस यूनिट के प्रिपरेशन के लिए किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपको इस नोट्स की जरूरत है तो आप लिंक चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।